वो खबर जो कि आज सुर्खियों में है। दरअसल मामला ये है कि नामांकन का दिन है, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक तरफ चुनावी अनुलोम विलोम, ये देखें आप राजवर्धन राठौर और उनके साथ कौन जा रहा है, एक तरफ बाबा रामदेव और दूसरी तरफ वो अपना नामांकन भरने, राजवर्धन ने अपना पर्चा भरा है। वर्धन सिंह राठौड़ के नामांकन भराने के लिए आप देख सकते हैं बाबा रामदेव यहां पर आए हैं और बाबा रामदेव लगातार लोगों से अभिवादन स्वीकार करें। राजवर्धन जी के लिए आप आए हैं, राज्यवर्धन जी को आशीर्वाद देने आए हैं और ये ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। इस तरह से आप बीजेपी का क्या खुलकर प्रचार करने लगे हैं बाबा? भाई मैं यहाँ राज्यवर्धन जी को विजयी भव का आशीर्वाद देने आया हूँ और खुले में आशीर्वाद देने आया हूँ, एकदम सड़क पर चल करके। नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगेंगे? नरेंद्र जी मोदी जी के लिए आए और किसके लिए आए? तो क्या जिस तरह से 2014 के चुनाव में बाबा रामदेव खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, इस बार भी प्रचार देख रहे हैं? देखो खुला आशीर्वाद देने आए, बड़ी जिम्मेदारी है। पिछली बार तो आप नए थे, इस बार मंत्री रहकर वोट मांग रहे हैं। भैया पीछे होने आया, देखिए सैनिक होने के नाते हर बार मैंने चुनौती को स्वीकार करा है और देश के सामने आने वाली हर कोई चुनौती को सैनिक परास्त करके आगे बढ़ते हैं। अरे और एक सैनिक के होने के नाते कहाँ घूम रहे हो यार? खेलों के अंदर पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया, ओलंपिक में पदक जीता, 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम में काम करके जन जन तक हमारी जन सेवा पहुंचाई, जनता की सेवा करी, हमारी जो योजना है उनको घर घर तक पहुंचाया, एक ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जो जातियों से आगे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम पर हर व्यक्ति को मजबूत करना, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने का काम करा है और आज फिर मैदान में इसीलिए उतर रहे हैं कि देश सेवा कर सके। बाबा रामदेव आप आए हैं संत का आशीर्वाद देने के लिए राजवर्धन सिंह राठौड़ के, इसके पहले कभी नामांकन में आप नहीं आए थे? देखिए पहली बार नामांकन में इसलिए मैं आया, मैं इनको अपना छोटा भाई मानता हूँ। राजनीति में जो उन्होंने एक निष्कलंक जीवन जिया और राजनीतिक सेवा के नए कीर्तिमान बनाए हैं और पूरी प्रामाणिकता के साथ इन्होंने जयपुर ग्रामीण की सेवा की और राष्ट्र सेवा के लिए साधु संतों ने ऋषियों ने सदा राजाओं का आशीर्वाद दिया, तो ये नए शासक हैं, नए भारत के शासक हैं और इसलिए इनको आशीर्वाद देने। नरेंद्र मोदी के लिए पूरे देश में प्रचार, 2019 में दोबारा मौका देगा नरेंद्र मोदी जी को देश।